अब ये खुदनी किस चीज से है? फावड़ा कहाँ है फिर? बाबा जी फावड़ा कसला कसला फावड़ा सही है, ये टूटा हुआ तो नहीं है। आज सबसे पहले तो हमें यहाँ पर भिंडियां बोनी है बाबा जी के प्लॉट में। मौसम बहुत बढ़िया है ना, तो इस चीज का हमने फायदा उठाने की सोची है। आज बारिश भी पड़ सकती है, तो बीबी कह रही है कि ये जम जाएंगी इसमें। कहाँ से खोदूं बताओ जल्दी? खोद तो चला जाने एक धोरे से जल्दी, मतलब वहां तक खोदनी है इसे? हाँ। अरे यार भाई ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, यहाँ से लेके वहाँ पीछे तक। हट जाओ तो। अच्छा ऐसे खोदना है? बीबी मुझे कह के लाई थी लगभग कि 5 मिनट का काम है, जल्दी से चल और मेरी भिंडी लगवा कर आजा। मैं लगभग यहाँ आधे घंटे से लगा हुआ हूँ, सारा मुझसे यहाँ से लेके वहां तक खुदवा दिया है इन्होंने। वहां सारी बाउंड्रीज वगैरह बनवाई हैं, फिर ये सारा खुदवा दिया है। अब फिलहाल खैर भिंडी तो हमारी लग चुकी है, यहाँ पर पानी चल रहा है। ये सारा पानी जब वहां तक भर जाएगा उसके बाद ही पानी को बंद करेंगे। चलो ये काम खत्म हुआ। रात इतनी तेज आंधी और बारिश आई थी जिसकी वजह से मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो गया था रात, लेकिन सुबह होते ही फिर से धूप निकली है और फिर से यार थोड़ी थोड़ी गर्मी होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से दोबारा बीगल भी और खरगोश भी और हमारे सारे परिंदे फिर से इनको गर्मी लगनी शुरू हो गई होगी। लेकिन रात सच में आंधी बहुत तेज थी, पड़ोसियों की टीन भी यहाँ पर उड़कर आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि ये यहीं पर रह गई, वरना अगर कहीं नीचे वीचे गिर जाती ना। और अच्छा हुआ कि डक्स वगैरह भी बाहर नहीं फिर रही थी, मैंने इन्हें अंदर बंद कर दिया था क्योंकि मुझे पता लग गया था कि कहीं आंधी में आसपास से कुछ उड़कर इनके पास आ गया ना तो इनको चोट भी लग सकती है, इसलिए मैंने इनको अंदर बंद कर दिया था। और शुक्र है कि वो टीन भी ऊपर ही गिरी हमारी टीन के, पता नहीं यहाँ से उड़ के आई है या फिर वहां से उड़ के आई है, मुझे नहीं पता। लेकिन इसको लेने के लिए वो नीचे आ चुके हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार, अभी तो वो नहीं आए हैं। इतने में इसको उतार लेता हूँ यहाँ से, यार है भी तो ये लोहे वाली। यार सच में अगर ये किसी के ऊपर गिर जाती ना बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी उसको। मैं इसको एक बार उतार लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। इसको उतारने में मेरी हालत खराब हो गई, पता नहीं ये भी उड़ के आ गई थी, तो सोचो यार कितनी तेज आंधी होगी। इसको लेने के लिए नीचे आने वाले हैं वो, और सच में यार मैं शुक्र मनाता हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं था उस टाइम पे जिस टाइम आंधी चल रही थी, वरना अगर ये मेरे सर्वर पे गिर जाती तो मुझे भी बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या हो गया क्या हो गया यार? लालो के जो दो पपीज है ना हमारे पास, इनको हम हैंड फीड तो करा रहे हैं और करा भी लेंगे आगे भी, यानी कि इनको हम अच्छी तरह से पाल सकते हैं। यार ये बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं यार। इससे पहली जो वीडियो थी ना, वीडियो देखने के बाद हमारे पास पापा जी के एक दोस्त की कॉल आई है और उन्होंने बताया कि मेरी फीमेल अभी कुछ दिन पहले उसने बच्चे दिए हैं, तो आप अपने बच्चे मुझे दे दें और वो फीमेल इनकी अच्छी तरह से केयर कर सकती है। तो यार उन्होंने बहुत सही किया ये चीज, अब हम लालू के बच्चों को उन्हें दे देंगे जिसकी वजह से खतरा भी नहीं रहेगा। हैंड फीड कराने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना वो ये आती है कि इनका पेट खराब हो सकता है और हमें सही मात्रा नहीं पता कि हर दिन के हिसाब से कम या ज्यादा करना पड़ता है ना मिल्क, तो इसी वजह से यार रिस्क है इस चीज में। शायद मुजफ्फरनगर के आसपास है वो जो फीमेल वहां पे बच्चे दे रखे हैं ना जिसने, पापा जी वहां जा रहे हैं और कुछ दिन के लिए इन बच्चों को वहां पर रहना होगा। जब ये थोड़े से ठीक ठाक हो जाएंगे ना, जब इनकी आंखें खुल जाएंगी, तब शायद हम इनको वापस ले आए और फिर हम अपने आप ही इनको जो भी करना होगा ना वो कर लेंगे। चलो चलो तो वो टीन वाले भाई आ चुके हैं नीचे, जल्दी से इसको उठवाकर नीचे ले जाते हैं। आ जाओ भाई। ऐसे ले जाते हैं नीचे को ऐसे, ठीक है। लाइट भी नहीं आ रही है, डॉग्स के कूलर भी इस वजह से नहीं चल पाएंगे। वैसे शाम का टाइम है, इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है और देखिए यार बारिश की वजह से जमीन भी पूरी तरह से गीली हो चुकी है, तो इसी वजह से थोड़ी सी गर्मी ना कम है यहाँ पर। यार जीना को तो आप सभी जानते होंगे और ये भी 1 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी कि पूरे 1 महीने के बाद ये भी बच्चे देने वाली है। जीना देखो यार इसका पेट यहाँ से निकलना शुरू हो गया है, यानी कि ये भी 1 महीने के बाद काफी मोटी होने वाली है। तो यार देखो मुझे लालो के बाद बड़ी ज्यादा चिंता है, लालो के बाद मुझे बहुत ज्यादा चिंता रहने लगी है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे ना इनके पेट में उतना ही ज्यादा रिस्क होता है बच्चों को भी और माँ को भी। इसका भी ये जो डीवन की बेटी है ना, इसको भी पेट बहुत ही ज्यादा मोटा हो रहा है। अभी मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ, बैठो बैठ जाओ।
सेठ इनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इसलिए मेरे कहने से तो बैठने की है नहीं बिल्कुल भी। आज 26 हो गई है ना, 27 या 28, 28 शायद इसकी डेट है, क्योंकि मम्मी ने बताया था कि लालो के पूरे एक हफ्ते के बाद इसकी डेट है डिलीवरी की। अब इसका पेट चेक करें, ऐसे देखिए यार इतना ज्यादा हो रखा है इसका पेट, इसको चलने फिरने में भी दिक्कत होती होगी पक्का। ये वाला जो फीड है ना वो इन तीनों पपीज में से किसी दो पपीज का है, और वो है एक तो ये वाला पपी है और दूसरा इनमें से छोटा वाला है, इसके लिए मीट होगा। इन दोनों पपीज के लिए फिलहाल फीड चल रहा हुआ है, पहले मुझे इसके कानों से ये उतारना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना उतारे ये खाना नहीं खा पाएगी ठीक से। रुक जाओ, बस, अभी अंदर रहो, अभी बाहर नहीं आना। पहले दूसरे वाले पपी को इसके पास छोड़ना पड़ेगा। अरे ये खाने भी लग गया, अभी नहीं खाना। चलो अंदर चलो। यहां पर खाओ, इसके लिए मीट अभी ठंडा हो रहा है, वो इसको अभी थोड़ी देर में रखा जाएगा। जब बांध कर बाहर निकालने की बारी आती है ना तो घोड़े से ज्यादा मुझे डर गाय से लगता है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा उछल कूद करती है ना, ये घोड़ा होने के बाद भी इतनी ज्यादा उछल कूद नहीं करता है। युवराज को भी हमें वहां लेकर जाना है और गाय को भी हमें यहां से खोलकर यहां पर बांधना है। मैं पहले ये वाला गेट खोल देता हूं। मुझे यार इसकी रस्सी नहीं मिल रही है, अब रस्सी नहीं मिली तो यार हम इसे ऐसे तो लेकर जाएंगे नहीं, ये मुझसे छूट कर भाग जाएगा। रस्सी इसकी वहां पर है, गले में तो मैंने रस्सी बांध ली है और अब एक रस्सी इसके यहां पर बांधनी है कुछ इस तरह से। ये बंध गई है, बस अब इसको बाहर निकालना है। भागने की कोशिश भी मत करना ठीक है, बस आराम से। यार बस मुझे डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना कर दे। चलो जाओ आराम से। शाबाश। चलो बस अब इसकी रस्सी खोलनी है बड़े प्यार से। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना है बिल्कुल भी। ये रस्सी खुलवा लो बस, उसके बाद तुम आजाद हो ठीक है। जाओ, खेलो। नहीं, अभी बाहर नहीं आ सकते हो तुम। देखें यार ये युवराज के नाम से सुनता भी है नहीं सुनता है। युवराज, अरे शाबाश यार, चलो कम से कम थोड़ा बहुत तो सुनने लग गया ये। इसका नया नाम है ना, अभी से इतनी आदत पड़ेगी नहीं इसकी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। चलो बेटा खेलो, इधर जाओ, भागो। चलो जिस शांति से युवराज वहां चला गया ना, बस गाय भी यहां पर आ जाए। अरे तुम तो अभी से मारने लग रही हो। बस, पीछे। शाबाश, उस साइड हो जाओ। चलो थोड़ा पीछे तो हो जाओ यार, मैं खोलूंगा कैसे तुम्हें। चलो आराम से, अगर भागने की कोशिश भी करी ना तो दिक्कत हो जाएगी यार, प्लीज आराम से आ जाना। चलो, बस यहां पर आना है तुम्हें ठीक है। ये भी ठीक ठाक बंद गई यहां पर, और युवराज भी बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पर आ गया। चलो यार अब पापा मुझे डांटेंगे नहीं, वरना वीडियो देखकर वो जरूर बोलते कि तू कैसे बांधता है। बिल्कुल इसी जगह पर हमने लालो को दफनाया था, और यार काफी सारे भाई ये बोल रहे थे कि यार आप अपनी फीमेल से ब्रीडिंग एक साल में दो बार ना कराया करें। यार हम ऐसे ही करते हैं, पिछली बार हमने नहीं कराई थी, बहुत कम फीमेल से ब्रीडिंग नहीं कराई थी, जिससे भी कराई होगी ना वो इस बार नहीं करेंगी, और जो इस बार कर रही है ना वो अगली बार नहीं करेंगी। ये भी वैसे ठंडा हो ही गया है, मैं जल्दी से बस डॉग्स को खाना रख देता हूँ। ये जो हरकतें करती है ना ये मेरे सामने करती है, पापा जी के सामने बिल्कुल नहीं करती है। बल्कि पापा जी के सामने तो कोई सा भी ना घोड़ा कुछ करता है, ना गाय कुछ करती है, ना ही कोई सा डॉग भी, बहुत कम भोगते हैं यार वो भी। पता नहीं ये सारे के सारे जानवर उन्हीं को असली मालिक मानते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं मानते हैं। देखें इसकी हरकतें देखें यार। मतलब तुम्हें खाना नहीं मिला तो तुम इस ड्रम को तोड़ने लग जाओगी। अरे भाई साहब इसे हो क्या रहा यार, आज ज्यादा गुस्से में। अच्छा, क्या बात है, इसको थोड़ी देर में चारा मुझे ही रखना है ना, इसलिए मुझे तो ये मारेगी नहीं। सारे डॉग्स को मैंने खाना रख दिया है और अब एक एक दो दो करके मैंने बाहर घुमा रहा हूँ। फिलहाल मैंने डीवन की बेटी खोली हुई है, और अब चेक करें यार इसका पेट, देखो कितना ज्यादा बाहर निकला हुआ है। लेकिन डीवन की बेटी ने ना
खाना बहुत कम खाया है। देखें यार, इसने सारा ही छोड़ रखा है यहाँ पर। चले यार किसी और फीमेल को इसका खाना खिला देते हैं, इसको खिला देते हैं। अरे यार मैं कहाँ से खोल रहा हूँ इसको। आ जाओ बाहर, आ जाओ, आओ। तुम्हारा चारा मैं लेकर आ गया हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे इसे तैयार करने में, ठीक है? उसके बाद मिलेगा तुम्हें ये। चलो यार अब इसको इसके पास रख देते हैं, बेचारी बहुत ज्यादा भूखी है। अरे 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 नहीं यार, तुम तो ऐसे गिरा लोगे इसको। चलो जल्दी जल्दी इसको खा लो। तो जल्दी से मैं सारा काम निपटा कर घर पहुंचता हूं, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव, ओवर एंड आउट।